हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज वगैरह लाता रहूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल नसर और इंटर मियामी का जो मैच हुआ कल रियाद सीजन कप में, उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये मैच जो है वो अल नसर जो है वो 6-0 से विन कर चुका, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मेसी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और यार कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह भी वायरल चल रही है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये मैच देखने के लिए आइसो स्पीड जो है वो भी रियाद गए हुए थे, और यार वो जो है वो रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन एक इंजरी के बाइस रोनाल्डो जो है वो ये मैच नहीं खेल सके, और जैसा कहा जा रहा था कि इनके दरमियान लास्ट मैच होगा वैसा नहीं हुआ। और यार आइसो स्पीड वहां गए हुए और वहां से रिएक्शन वगैरह सामने ना आए, ऐसा तो खैर पॉसिबल ही नहीं। तो मियामी और अल नसर की टीम के दरमियान ग्राउंड में हीट ऑफ द मोमेंट कोई फाइट वाला सीन हो जाता है, जिसके ऊपर आइसो स्पीड का कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के सामने आता है। Hey, what? Oh, he fighting! Hey, fighting! Oh no! What? 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 You wanna fight me? Wait, hey! You wanna fight me? Yalla! No! फिर आप लोगों ने कल का मैच देख लिया तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन बेटर है, रोनाल्डो या मेसी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फिर मैं फुटबॉल को इतना फॉलो नहीं करता कि कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरा। फिर यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो बाबर आजम जो है वो कल अपने ट्विटर पे एक स्पेस लाइव कर रहे थे, जिसमें वो बहुत सी बातों के रिलेटेड डिस्कशन वगैरह करते हैं। और यार बाबर की उसी ट्विटर स्पेस लाइव में मोहम्मद रिजवान भी आ जाते हैं और वो बाबर से जो मोस्ट कास्ट क्वेश्चन है कि बाबर शादी कब करने वाले हैं, उसी के रिलेटेड सवाल करते हैं, जिसके बाद बाबर का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स वगैरह निकल के सामने आता है। मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। जी कहते हैं आप? हाँ जी, रेडी है जवाब देने के लिए? जी कप्तान, आपकी शादी कब है? मुझे पता था आपने ये सवाल कर दिया। यार नहीं है सवाल, आप जवाब देना पड़ेगा आपको, मुझे भी जवाब। मुझे तो आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा। आप हमारी कप्तान को परेशान कर दे रहे हैं। नहीं यार देखे माशाल्लाह सब सवाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं माशाल्लाह, इनके साथ खैर दे, मजा आ रहा था सुन सुन के, मगर मेरा भी सवाल है, मुझे भी जवाब चाहिए यार। अभी ऐसे बहुत से लोगों के सवाल हो दिलों में, किसी ना पूछ सकता, मुझे मेरे दिल में सवाल है। वो लोगों को मेरे ख्याल से मेरी शादी से, मेरी शादी जो है ना वो कर चुके हैं, तो आप कह रहे हैं दूसरी की तैयारी करें। यार ये तो मैं हकीकत बताऊं आपको, ये ज्यादा ख्वाहिश मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ की, इसकी शादी कब होनी है पूछती है। तो कप्तान तैयारी पकड़े इंशाल्लाह। नहीं पहले आप ना कल की मैच की तैयारी पकड़े, चले इंशाल्लाह। तो अब बाबर शादी कब करेंगे ये तो खैर वक्त ही बताया है, लेकिन यार इसके अलावा बाबर आजम के ऊपर जो मीम्स वगैरह बनती है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो एडिट्स वगैरह होती हैं, और बाबर आजम को जो सिंगर वगैरह बना दिया जाता है, इस सब के ऊपर भी बाबर आजम जो है वो रिएक्ट करते हैं, और वो कुछ ये कहते हैं। आपका बिगेस्ट सपोर्टर आप किसको समझते हैं? मेरे जो फैंस हैं, मैं उनको बहुत बड़ा सपोर्टर समझता हूँ। मेरी फैमिली के बाद मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बैक किया, मुश्किल टाइम में, अच्छे टाइम में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ होती थी तो मेरे फैंस हमेशा सामने खड़े होते थे, बैक करते थे, और मैं तो यहाँ तक भी देखा कि लोगों ने या फैंस ने इतनी अच्छी अच्छी मीम्स मेरे पास आती रहती हैं, कहीं ना कहीं से मीम्स आती रहती हैं, किसी ने मुझे सिंगर बना दिया, किसी ने मुझे कुछ बना दिया, तो ये उनका प्यार है। खैर इसके अलावा बहुत से मजीद क्लिप्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सीन बोरिंग हो जाएगा, लेकिन जिन जिन मेन टॉपिक्स पर इस वीडियो में बात की गई थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बाबर ने एबीडी को अपना ड्रीम बेटिंग पार्टनर बताया, और स्मिथ की कवर डाइव को मोस्ट एलिगेंट कवर डाइव बताया, और 196 जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनकी इनिंग थी उसको उन्होंने फेवरेट बताया, और उन्होंने सरफराज अहमद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हर अच्छे बुरे टाइम में उन्हें सपोर्ट किया है, और बाबर आजम को बनाने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो अपना गोल बताते हैं कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का उनको पार्ट बनना है, और पीएसएल जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी लीग है, और वो मजीद कहते हैं कि फैन जो है वो उनके बड़े सपोर्टर हैं, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो मैच आ रहे थे उसने काफी ज्यादा हर्ट किया था। तो होपफुली अगर आप लोगों ने इनकी लाइव मिस कर दी है तो आप लोगों को हल्का सा ब्रीफ मिल गया होगा। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो आशीष छंछलानी के रिलेटेड है। तो रिसेंटली आशीष ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वो किसी बच्चे के लिए डोनेशन वगैरह का कह रहे होते हैं, और यार फिर उसके बाद कुछ लोग जो है वो उनको हेट वगैरह देना चालू कर देते हैं कि आप जो है वो खुद इतना कमाते हो, खुद दे दिया करो, लोगों से मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसका आशीष जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्लाई देते हैं। पता नहीं लोगों में किस बात की इतनी करवाहट है। स्टोरी पे मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया एंड मैं करते रहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में डालते रहूँगा तो लोग बोलेंगे अरे शो ऑफ कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और अगर आपको नहीं देना आप मत दो, मैंने लिखा है वहाँ पे नो कंपल्शन, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू यू कैन गो अहेड। भगवान जाने हर चीज़ में आजकल कड़वाहट बढ़ गई है। मदद मांग रहे हो एक बच्चे के लिए, लिंक डालिए,
लिखा है एक लार्ज ऑडियंस स्मॉल अमाउंट मदद कर सकता है। मत दो आप मत दो भाई मत दो, इग्नोर करो ये मत लिखो क्योंकि हम शो ऑफ नहीं करेंगे, बेसिक ह्यूमैनिटी होती है, डाल दिया स्टोरी, माफ करो मेरे को। फिर इसके अलावा एक इंडियन एक्ट्रेस पूनम पांडे जो है उनका इंतकाल हो चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इंतकाल कर चुकी हैं, जिसके लिए उनके इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की गई है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो डकी भाई के रिलेटेड बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले डकी भाई जो है वो अपने ट्विटर पर एक स्पेस लाइव कर रहे थे जिसमें वो अपने गेमिंग चैनल पे कमबैक के रिलेटेड बात करते हैं, और वो मजीद कहते हैं कि कुछ ही दिनों में अपने फैंस को वो गेमिंग चैनल पे कोई सरप्राइज वगैरह देने वाले हैं। तो वो क्या कह रहे होते हैं आप लोग खुद देख लें। डकी भाई आपने गेमिंग चैनल छोड़ दिया? वो नहीं छोड़ा, नहीं वो मैंने करना स्टार्ट, वो बल्कि आपको अभी एक दो हफ्ते के अंदर न्यूज़ मिलेगी उसकी। देखिए भाई जो आप कह रहे हैं कि गेमिंग चैनल आपका स्टार्ट हो रहा है दोबारा, तो उस पे किस चीज का कंटेंट आएगा, क्या चीज आएगी? मतलब यार देखो जब GTA 6 आएगी तो सिर्फ GTA 6 आएगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप कह सकते हो कि सिर्फ ऑडियंस बिल्डिंग होगी, वो ऑडियंस को जो पसंद होगा वो मैं तब बनाऊंगा, लेकिन जब GTA 6 आएगी तो ऑडियंस को पसंद हो ना हो GTA 6 ही आएगी, लेकिन वो तो लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। बिल्कुल यार YouTube पे लोगों ने दुनिया जहां छोड़ छाड़ के गेमिंग पे आ जाना है, मेरी बात लिख लो। आपको पता है 2018 में मैंने शायद व्लॉगिंग का अनाउंस किया था, आप किसी पुराने किसी क्यू एंड ए उठा के देखना, जब व्लॉगिंग कोई करता भी नहीं था, सही है, वो आपको शायद किसी ना किसी क्यू एंड ए के अंदर आपको ये बात मिल जाएगी मेरी वाली। मैं आपको अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, गेमिंग से ऊपर चीज ही नहीं रही कोई पूरे पाकिस्तान में, और ये पबजी मोबाइल वाले दौर में रह चुका है। पबजी मोबाइल वाले दौर पे मैंने मेरे जैसे और बड़े लोगों ने 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज भी लिए हैं। तर देखते हैं कि अपना गेमिंग चैनल पे कैसा कमबैक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली इमरान खान के ऊपर जो चार्जेस वगैरह लगे हैं और तकरीबन 24 साल के लिए इमरान खान को जो सजा सुना दी गई है, इसी के ऊपर वकार जका ने रिएक्ट किया है और वो एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखते हैं, मेरी FIR की थी फवाद चौधरी के कहने पर, पबजी अनबैन क्रिप्टो अनबैन पर हुई और इमरान खान की गवर्नमेंट ने मुझ पर फेक केसेस बनाए, आज तू जेल में, हा हा हा, इफ इमरान खान इज रियल तो मांगो दुआ कि इमरान खान वापस आए, लोल नहीं आएगा वापस इमरान खान, लोल यू ट्राई टू टेक मी डाउन आई टूक यू डाउन। कुछ पहले वकार जका ने एक वीडियो में कहा था कि इमरान खान वापस आ जाएगा, अब मजीद उन्होंने ये ट्वीट किया है। फिर आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बगैर अभी के लिए तो मेरे पास आप सबके सिर्फ इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।